अडानी मामले पर आज विपक्ष की बैठक होने वाली है। 16 दलों के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। 9:30 बजे का समय था और ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। 16 दलों के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। अपनी बात रखने के लिए अब विपक्ष रणनीति बनाएगा। गांधी मूर्ति के सामने आज धरना भी देंगे विपक्षी नेता और पूरे देश में जो मुख्यालय है, फिर चाहे वो SBI का हो या फिर LIC का, इसके बाहर भी धरना देने की पूरी योजना कांग्रेस की तरफ से बनाई गई। मांग को डेमोक्रेसी कहते हैं, मांग को हिपोक्रेसी नहीं कहते। और आप जो करते हैं सीतारामन जी और आपकी सरकार, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, मतलब तानाशाही कहते हैं। तो 16 दलों के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये तीसरी बैठक बताई जा रही है। इसमें रणनीति बनाई जाएगी विपक्षी नेताओं की तरफ से। हालांकि एकजुटता का संदेश भी देंगे और साथ ही एक प्रोपोगेंडा जो विपक्ष इस वक्त बना रहा है उस पूरे मामले में, जिसमें सरकार की तरफ से भी लगातार सफाई दी जा रही है, जवाब दिया जा रहा है। अब सदन में चर्चा पर भी ये पूरा मंथन हो रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से। और ये पूरी संभावना है कि वित्त मंत्री के साथ साथ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री भी इस पर बात रखेंगे। तो फिलहाल अभी जो बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक 16 दलों के विपक्षी नेता इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक कर रहे हैं। 16 दलों के नेता इस बैठक का हिस्सा हैं और ये तीसरी बैठक है और इसमें ये रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से इस पूरे मामले पे सरकार को घेरना है। नहीं, हम तो निर्णय लिए हैं कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा में लाना और जो कुछ कमियां है वो सरकार को हम बताएंगे। और सरकार अब तक चुप क्यों बैठी? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी गवर्नमेंट चुपी साधी है। खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं, वो अपने दूसरे मंत्रियों से कुछ कहला रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही करीबी है प्रधानमंत्री जी के, वो उन्हों कुछ बोलना चाहिए। नहीं तो देश की माली जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, बहुत खराब हो जाएगी जी। और इसी बीच इस पूरे मामले पर, यानी अडानी मामले पर, सोनिया गांधी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी की नीतियों से उनके अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा है। गरीबों की कीमत पर पीएम ने अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाया। पीएम की नीति ने नोटबंदी से अब तक लगातार आपदाओं को जन्म दिया है। GST से छोटे व्यवसायियों को नुकसान पहुंचा, ये गंभीर और बड़े आरोप सोनिया गांधी ने लगाए हैं। 3 कृषि कानूनों को लाने के असफल प्रयास और बाद में कृषि की उपेक्षा हुई। गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीयों की कमाई की बचत खतरे में है। सरकार LIC SBI में अपने कुछ खास दोस्तों को निवेश करा रही है, जिससे आम आदमी यानी गरीब पर सीधी चोट पड़ रही है। इससे कई वित्तीय घोटाले हो रहे हैं। तो नोटबंदी के फैसले से कैसे नुकसान हुआ, ये सिर्फ नुकसान को न्योता देने वाला फैसला था। ये कई गंभीर आरोप सोनिया गांधी ने लगाए हैं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला सोनिया गांधी ने। इस मुद्दे पर वो मुखर हुई, खुलकर लगातार वो अब आरोप लगा रही हैं, बड़े हमले कर रही हैं। और इसी को लेकर आज की रणनीति जो तमाम विपक्षी नेता इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस बैठक में बना रहे हैं।